जी दोस्तों, अभी सिटी सेंटर में उतार दी है बस ने, और मेरा दोस्त जो है वो मनी एक्सचेंज में अंदर गया है पैसे चेंज कराने, क्योंकि हमने कुछ डॉलर ले लिए थे। सो अब वो डॉलर टूटेंगे तो हम सिम खरीद सकते हैं, और सिम लेनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज डेटा चाहिए, और डेटे के बगैर वी कॉन्ट इवन फाइंड द होटल लोकेशन। सो हल्की हल्की गर्मी हो रही है, लेकिन शाम को आई थिंक इट्स गुड वेदर, अच्छा हो जाएगा। कुटेसी अच्छा शहर लग रहा है यार, बड़ा शहर है एंड वेरी डेवलप्ड। और ये आपको साथ साथ दिखाते हैं सराउंडिंग्स में भी, एक इसी स्क्वायर में आके हम खड़े हुए हैं। मैं आपको थोड़ा दूसरी तरफ से व्यू दिखाता हूँ जी दोस्तों, आप देख सकते हैं सेंटर स्क्वायर है, थोड़ा उस तरफ मैं आ गया, आपको फिर लेके जाऊँगा बाद में। जी सर, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 585 लारी मिल गई, लारी आपने ले लिए 585 लारी, मोबाइल सिम का पता करके आप उसके। हाँ वैसे अगर आप पता करते हैं तो मैं, मुझे इशारा कर देना, मैं आ जाऊँगा उधर। अभी मेरा दोस्त सिम लेने के लिए गया है, और मैं इतनी नींद में हूँ बिकॉज मैं कल से सोया नहीं। तो मैंने उसको यही बोला है कि भाई तू चला जा, मैं गिर जाऊँगा कहीं, क्योंकि मैं एक घंटा सोया सिर्फ। तो अभी वो सिम लेने गया है, पता करता है तो मुझे इशारा करेगा तो मैं भी जाता हूँ, ताकि डेटा चले यार, आजकल डेटे के बगैर आप यू कांट मूव, सही है कि नहीं। कभी मेरा दोस्त गया है सिम लेने, अभी तक पता नहीं आया नहीं, लभिया नहीं मैंने, आ जाएगा। और सोलो ट्रिप करने का अपना मज़ा है, और आप किसी के साथ होते हैं तो आप बहुत रिलैक्स होते हैं। सो क्या होता है, आप काम बांट लेते हैं, आधा काम वो कर लेते हैं, आधा आप कर लेते हो, एंड शेयरिंग भी हो जाता है, बजट ट्रैवल हो जाता है। सो देखते हैं, आपको दिखाते हैं साथ साथ, सिटी वाइब्स अच्छी आ रही, नाइस। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हर तरफ रश है, मौसम अच्छा है यार, वेदर अच्छा है। इनका वर्किंग डे है तो लोग आसपास आ जा रहे हैं, देख रहे हैं अपनी मामूले ज़िंदगी जो होती है, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक वो गुजार रहे हैं, और हम तो क्योंकि छुट्टी में हैं तो हम मज़े कर रहे हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है, इंग्लिश नहीं आती लोगों को। बाकू में बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में इंग्लिश चल जाती है, इजिप्ट में भी मैं गया था इंग्लिश थी, काफ़ी कंट्रीज़ मलेशिया थाईलैंड में भी कम बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं बिकॉज टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, बट यहाँ पे इंग्लिश जो है वो उतनी फ्लुएंट नहीं है। सेम को यहाँ पे बोलते हैं मकाती, और मकाती ढूंढने के लिए पहले हमें वर्ड ढूंढना पड़ा है कि सिम को कहते क्या है, उसको कहते हैं जी मकाती। अब मकाती ढूंढने के लिए हम शॉप ढूंढ रहे हैं, और शॉप ढूंढ के जिस तरह ही सिम मिलती है तो आपको बताते हैं कि हाउ पैकेजेस आर, और फिर हमें भूख लगी हम कुछ खाएंगे, हलाल फूड मिल जाए बिकॉज वेजिटेरियन ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, जो दोस्त वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे हमारे लिए मेरे लिए थोड़ा इशू है बिकॉज हमें वो वाला फूड ढूंढना पड़ेगा, और कोई बात नहीं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हो गए बिकॉज अरबिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, पूरा प्लेन भरा हुआ था यार, खचा खच भरा हुआ। बाकी लेट्स सी, इंशाल्लाह देखते हैं। जी फ्रेंड्स, अभी सिम एक मिली है, दूसरी नहीं मिली क्योंकि मेरा पासपोर्ट चाहिए, तो मैं भी जाऊंगा और लेके आऊंगा। अभी मैं सेंटर स्क्वायर में हूँ कुटेसी के, और पीछे आप देख सकते हैं स्क्वायर, और एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फुल यूरोप है यार, यूरोप वाला सीन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ सराउंडिंग में। बेसिकली अपने आपको ऑलरेडी जब एयरपोर्ट पर आए तो वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट कह रहे हैं,
उन्होंने अपना झंडा भी यूरोपियन यूनियन के साथ लगा हुआ है. सो मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी गेट वेरी सून इन टू द यूरोपियन यूनियन. फ्रेंड्स खाना खा लिया यार, फिर मैकडोनल्ड खाना पड़ा बिकॉज फिश बर्गर खाया. और अभी होटल मिल गया, पीछे देख सकते हैं आप होटल बिल्कुल सिटी सेंटर के पास है, दूर नहीं है. दिखाता हूँ आपको फ्रंट से. जी दोस्तों आपको रूम टूर भी दे देते हैं जो कि कुटेसी में मिला, बड़ा इकोनॉमिक रेट पे. आप देख सकते हैं बहुत साफ़ सुथरा है, क्लीन है, टू बेड्स हैं, एसी है, टीवी है, साफ वॉशरूम है. अच्छा है यार, और क्या चाहिए. ज़बरदस्त है, कूजी है बहुत, सामने बालकनी भी है, फ्रिज है. अच्छी जगह है यार. और ये बाहर बालकनी. जी फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब लोग. एक और आप दिन के लीजिए, शाम का टाइम हो गया, बारिश हो रही है. अब सुबह आए हैं 1 बजे, 1 बजे था, 2 बजे थे, आई डोंट नो यार. आग सोए और पता नहीं चला. आप सोचे अभी 8 बज गए हैं और दिन निकला हुआ है और बारिश हो रही है, तो मस्त है मौसम. अभी चलते हैं थोड़ा नीचे, कुछ स्विच वगैरह लेने हैं, सॉकेट्स लेनी है, और आपको भी दिखाते हैं. पानी नहीं है रूम में, पानी लेके आते हैं. बहुत मज़े का मौसम है यार. ये मेरा होटल का सराउंडिंग है, इनकी अपनी पार्किंग है, आइए चलते हैं कैसे रहता है. जी दोस्तों बारिश हो रही है और होटल वाले ने हमें 2 अम्ब्रेला देने हैं, और मज़े का मौसम है. आप आइए तो जैकेट ज़रूर लेके आइए, मौसम मज़े का है. हमारे होटल के पास स्पार, एक जैसे 7-Eleven होती है वैसे स्पार है, और वो खुली रही 24/7. बहुत सारी मार्केट्स हैं. 8 बज गए हैं, इट्स लाइक ए हिल स्टेशन. रात को आई एम वेरी श्योर 9-10 बजे सो जाते हैं, 9 बजे, बिकॉज मॉर्निंग में जब हम आए थे तो बहुत रश था, बहुत ज़्यादा. आपको अब मैं थोड़ा सराउंडिंग्स दिखाता हूँ. तो दिस इज कुटेसी गाइस, कुटेसी सिटी. जी दोस्तों आप देख सकते हैं कैसा सिटी का व्यू है, बारिश होने के साथ मज़े का हो गया. हम जितने एशियन कंट्रीज के लोग होते हैं वो बारिश में बाहर निकल आते हैं, और ये लोग ज़्यादा यूरोपियन साइड पे जान चले जाएँ आप, ये लोग अंदर चले जाते हैं घरों. और बहुत ठंडा मौसम है, मज़े का, आई लव इट. देखिए दोस्तों वो एक गाना था ना, रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, वो देखें सर, घोड़ों के पास आ गए आप. फिर भी खुला है काफ़ी कुछ. ये मैकडोनल्ड है, दिखाता हूँ जहाँ सुबह खाना खाया था. अच्छी वाइब है यार, सिटी की वाइब अच्छी है. आई थिंक वेरी स्मॉल सिटी बट गुड सिटी. यहाँ से आप इसका ओवरव्यू देखिए. ये रहा इनका सेंटर स्क्वायर, और आप देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं हर तरफ बारिश ही बारिश. और अभी हम टूर वाली जगह पे आए हैं, उनके पास काफ़ी टूर्स हैं, देखते हैं. और एक हलाल फूड भी मिल गया, तुर्किश इस्तांबुल हलाल फूड, तो वो भी देखते हैं, मज़े का है.
सराउंडिंग में बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए हुए हैं। मैं कैमरे को उस तरफ करता हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। ये देखिए, आप इनके पास आइए, इनके पास बजट हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको ये दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लेके जाएंगे। वाइन एंड डाइन, गिलाटी माउंटेन फोर्टिजल, बतूमी वाटरफॉल, बोर्जमी, अच्छी अच्छी जगह हैं। इससे पूछते हैं, मैं इसके ऊपर से चले जाऊँगा गुजर के। ब्रदर हाय, दिस केव हाउ मच द केव? How much time it will take? भाई इन्होंने यहाँ पे कुत्तों को कान में टीके लगाए हैं। यहाँ से लेके जाते हैं और आपको काफ़ी जगह दिखाते हैं। इनसे अगर आप ले लें तो मच बेटर है। टेन टिल सेवन सर, व्हाट इज इंक्लूडिंग इनसाइड इन द पैकेज? यस प्लीज टेल अबाउट। देयर आर थ्री मेन ओकेजंस दैट वी हैव। द फर्स्ट वन इज द प्रोमेथियस केव एंड द नेक्स्ट वन इज द हडसन एंड द लास्ट वन इज मॉस्को कैनन। एंड द थर्ड इज अस आई ऑलरेडी सेड 9 आवर ट्रिप। वी विल हैव अ लंच ब्रेक सम टाइम अराउंड 3 p.m. या the price is like covers transportation and guiding services for the entrance tickets or lunch breaks or anything that you might have there for the by yourselves. Great, that's great, great. So आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये आपको हर चीज़ गाइड करेंगे। 9 आवर का ट्रिप है वो आप ले लीजिए तो मच बेटर है। और जो ये 60 जेल का, जो 60 लारी का मिल रहा है, जॉर्जियन लारी का, वो बहुत आला है। वो कल जब जाऊँगा तो आपको पूरा टूर दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं। एंड क्लोज वो होटल वाला भी यही करेगा। जी दोस्तों, अभी हम टूर ले रहे हैं और टूर लेके आपको बताते हैं कैसा रहता है। बाहर अब व्यू देखिए, अभी भी दिन है यार, 8:30 बज गए यार, सोचो।